नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान से जैसे अमेरिका को भगाया, वैसे ही कश्मीर से भारत को भगाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है दोस्तों। आखिर जानेंगे किसने इस बात को कहा और किसने कश्मीर में तालिबानियों को लेकर भारत को चेतावनी दे डाली है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, SATF की ब्लैक लिस्टेड होने वाला है पाकिस्तान। जी हाँ, तालिबान का समर्थन भारी पड़ने वाला है और अब कंगाल पाकिस्तान, अब कटोरा लेने वाले तालिबान के हाथों और एक तरीके से दूसरा कटोरा इमरान के हाथों में, पूरी तरीके से कंगाल होने वाले हैं पाकिस्तान। इसके साथ एक और खबर निकल के आई है, तालिबान के हाई अलर्ट के बीच कश्मीर में IG ने कहा, देखते ही तालिबानियों को 72 हुड़ों के पास भेजेंगे। हमारी सिक्योरिटी पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है, मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों बहुत कुछ है इस खबर में जानना, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कश्मीर में तालिबान वो नहीं कर सकता जो अफगानिस्तान में किया है। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कश्मीर तालिबान का नाम लेकर महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जैसे अमेरिका को खदेड़ा है अफगानिस्तान से, वैसे ही भारत को खदेड़ेंगे कश्मीर से, या फिर बातचीत करो। जी हाँ, ये स्टेटमेंट निकल के आया है। अब इस स्टेटमेंट को समझिए, जहाँ वहाँ के IG ने महबूबा को करारा जवाब दे दिया और कैसे बता दिया कि तालिबान तो दूर, तालिबान के आका भी आ जाए ISIS, वो भी कुछ कश्मीर का नहीं उखाड़ पाएंगे। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्हें कहा है कि भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को देखे, जहां से अमेरिका को अपनी सेना बुलानी पड़ी। तालिबानियों ने इतने दिन भले ही लड़ा, लेकिन अमेरिका को अफगानिस्तान से भगा दिया है, बोरिया बिस्तर बांध कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। केंद्र सरकार को भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बातचीत करनी चाहिए, और अगर बातचीत नहीं करी तो यहाँ से भी भारतीय सेनाओं को भागना पड़ेगा। तो ये कोट एंड कोट महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट निकल के आया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं ये, केंद्र सरकार वाजपेयी के सिद्धांत पर वापस नहीं आती है और बातचीत शुरू नहीं करती है तो बर्बादी की कगार पे होगी, ये पूर्व मंत्री का कहना है। क्योंकि कश्मीरी कमज़ोर नहीं है और काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं और उनका भी सहायता लिया जाएगा, यानी आतंकियों का। तो ये स्टेटमेंट है पहले, तो आप इनके स्टेटमेंट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन में आप दो शब्द इनको जरूर लिख दीजिएगा। अब इनके इस स्टेटमेंट के बाद बयान क्या निकल के आया है सेना की तरफ से, और कैसे जम्मू कश्मीर में तालिबानियों तो दूर, बड़े बड़े आका भी आकर कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। दरअसल तालिबानियों को भी देख लेंगे, कश्मीर के IG ने बताया है कि आखिर क्या प्रूफ प्लान है सिक्योरिटी के कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में आतंकवादियों ने एक बार फिर से सिर उठाने की कोशिश की, हालांकि यहाँ की पुलिस और सुरक्षा बल के बहादुर जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ और करारा जवाब दे रहे हैं। अभी जब महबूबा मुफ्ती ये बयान दिया है, अभी कल ही एक घंटे दो घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को 72 हुड़ों के पास भेज दिया गया, यानी उनका एनकाउंटर सेना ने कर दिया है और वो मारे गए हैं। और IG जनरल जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने साफ कह दिया है कि हमारी सेना अलर्ट है और वो तालिबान को भी देख लेगी। IG ने कहा है कि सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं, वो सभी तरीके से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर चाहे वो घाटी हो या वो तालिबान ही क्यों ना हो। इस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जो कि अपने आप में महबूबा मुफ्ती के मुँह पर करारा तमाचा है। IG पूरी तरीके से कहा है कि हम अलर्ट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, संभव नहीं है कि यहाँ पे तालिबान किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी कर सके। तो ये तो एक IG का है स्टेटमेंट, जो कि पूरी तरीके से सेना की तैयारी की बात कही है। अब आप ये समझ लीजिए कि तालिबान को तो छोड़ो, तालिबान के बाप भी भारत में कैसे जम्मू कश्मीर को स्थिर नहीं कर सकते, इस बात को भी समझिए। दरअसल जम्मू कश्मीर पहली बात तो तीनों तरफ से जहाँ जहाँ से पाकिस्तान की घुसपैठ करना चाहता है, वहाँ से पूरी तरीके से बॉर्डर पर ही सेनाएँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। अभी तक तो केवल ज़मीन से निगरानी हो रही थी, अब ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। तालिबानी अगर भारत में जन्म नहीं लेते हैं तो फिर विदेशों से तालिबानियों का भारत में पहले तो एंट्री कर पाना ये किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकता, यानी वो एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर सेना मुस्तैदी से खड़ी है। अगर पाकिस्तान के आतंकी कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तालिबानी नहीं उखाड़ सकते,
क्योंकि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान घुसपैठ करा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेनाएं हाथ पे हाथ रखे बैठी हैं, सो रही हैं वहाँ पे। इससे पहले भी पाकिस्तानियों ने हजारों बार घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन वो घुसपैठ यानी भारत कश्मीर में घुस ही नहीं सकते। तो फिर आने जाने की बात छोड़ो और हमले करने का तो छोड़ ही दो। दूसरी बात, अगर जम्मू कश्मीर में घुसते भी हैं तो जम्मू कश्मीर के हालात ये हैं कि चप्पे चप्पे पे भारतीय सेनाएं हैं। ये अफगानिस्तान की सेनाएं नहीं है कि इनके पास हथियारों की कमी है या फिर अत्याधुनिक हथियार नहीं है। इनके पास जो हथियार है वो 500 मीटर दूर से ही पहचान कर आतंकियों के सिर धड़ से उड़ जाएंगे, यानी 72 हुड़ों के पास जाने में देरी नहीं लगेगी। और तीसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटना और 35 हटने के बाद घाटी में लोग एक तरीके से मुख्य धारा में आ रहे हैं। वहाँ के युवा पत्थरबाजी छोड़ दिए हैं और तालिबान ज्वाइन करना तो बहुत दूर बात हो चुकी है। तो दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर सुधर रहा है तो तालिबानी किसी भी तरीके से उसे अस्थिर नहीं कर सकते, लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे आतंकवादी इस चीज़ को ज़रूर सोच सकते हैं। इनके स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे, दो शब्द जरूर लिखिएगा। लेकिन अब हम चलते एक और बड़ी खबर के तरफ। दोस्तों, FATF में ब्लैक लिस्टेड होने वाला है पाकिस्तान। जी, तालिबान का समर्थन करना भारी पड़ गया है, क्योंकि वो खूंखार आतंकवादी जो पाकिस्तान में रहते थे उनको तालिबानियों ने छोड़ दिया है। और हम कह सकते हैं कि तालिबानियों का सहारा लेकर पाकिस्तान उन आतंकवादियों का समर्थन करना चाहता है, लेकिन ये संस्थाएं जो हैं वो सब कुछ देख रही हैं कि तालिबान के पीछे इमरान खान ने कैसे मदद की है। FATF की ग्रिल लिस्ट में पाकिस्तान जल्द ही शामिल हो सकता है, और वो भी ग्रिल लिस्ट से हटकर ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। पाकिस्तान की इस तरक्की में उनकी अपनी कारस्तनिया का पूरा योगदान है। दरअसल हमेशा से आतंक का झंडा बरदार रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने पर अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा है। वहीं इसकी तारीफों की पुल बांध रहा है और इस तरीके से पाकिस्तान अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद पाकिस्तान ने इसे लेकर बड़ा उत्साह दिखाया। पाकिस्तान अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा है, खुद प्रधानमंत्री इमरान खान जमकर तारीफ कर रहे हैं। और अब बस यही तारीफ और आतंकियों का समर्थन करना इमरान को भारी पड़ रहा है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान ने बताया किस तरीके से अफगान में विदेशी संस्कृति थोपे जाने का कारण मानसिक गुलामी फैल गई थी। FATF का जो एक तरीके से सामना करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या को पाकिस्तान मानसिक गुलामी से आज़ादी बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को याद नहीं आया कि उसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का सामना करना है। अभी पाकिस्तान FATF की ग्रिल लिस्ट में शामिल है। इससे पहले जून महीने में FATF ने पाकिस्तान की समीक्षा की थी और इसे ग्रिल लिस्ट में बना रखा था। FATF को लेकर पाकिस्तान सरकार ने खुद अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अगस्त में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ ने इमरान सरकार से कहा था कि अपनी स्थिति सदन के सामने रखें, और अब पाकिस्तान सरकार खुलकर तालिबान के समर्थन में आई हुई है। तो दोस्तों, इस वजह से अब वो ग्रे लिस्ट से हटकर ब्लैक लिस्टेड भी होने की कगार पे है। तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड होने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। पल पल की ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन दोस्तों